अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रात, एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई ये जो व्लॉग और ये जो वीडियो है ना, ये बड़ा इमोशनल मोमेंट है आज मेरे लिए। और वो क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। आप सोच रहे हो कि मैं दरवाज़े के बाहर क्यों खड़ा हूँ। बेसिकली ये जो दरवाज़ा है ये फ्लैट है, और ये फ्लैट मैंने परचेज़ कर लिया है अपना ज़ाती। तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रिया, और उसके बाद जो है आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें शुरू से सपोर्ट किया है। मतलब ये हमारी भी 10-12 साल की जर्नी है जो आप लोगों ने देखी हुई, कैसे हम लोग वीडियोस बनाते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हाथ पकड़ा, जॉब भी छोड़ी, फिर गाड़ी चेंज की। तो अब ये जो है ना एक इनिशिएटिव ले लिया कि भाई एक फ्लैट हो, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है, कोई बहुत मैंशन नहीं ले लिया, लेकिन एक छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट है कराची जैसे शहर के अंदर। प्रॉपर्टी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है फ्यूचर के लिए। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ। अब ज़्यादा लंबी नहीं करते, अंदर चलते हैं और आपको पूरा टूर देते हैं। आए मेरे साथ। तो भैया ये जो है ना, ये फुल फर्निश्ड फ्लैट था जो मैंने परचेज़ किया है। इसको मैंने बनाया नहीं है, ये बेसिकली मॉडल अपार्टमेंट था जो कि मैंने लिया है। तो सबसे पहले अगर हम आते हैं, ये 2-bed DD अपार्टमेंट है। ये जो है पूरा ड्राइंग रूम है, और आप देख सकते हैं ये फुल फॉल सीलिंग वगैरह सारा काम हुआ हुआ है यहाँ पर। अच्छा है, स्पेशियस है, और अच्छी बात ये है कि यहाँ पर एक एसी भी लगा हुआ है, क्योंकि एक मॉडल अपार्टमेंट जब ये बनाते हैं तो उसमें वो सारी चीज़ें दिखाते हैं कि भाई ये बनने के बाद जो है वो कैसा लगेगा। तो मुझे ये वैसे ही अच्छा लगा, तो मैंने उनसे पूछा कि अगर आप मॉडल अपार्टमेंट चला आउट करना चाहते हैं तो बताया। मैंने कहा यस। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हमने आज मैंने लास्ट पेमेंट दे दी है। तो ये ड्राइंग रूम है, अब इसके ऊपर आप वॉलपेपर भी लगा सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें जो करना चाहें कर सकते हैं अपना। अब आप चलते हैं किचन में। And now a word from our sponsor. हर कोई ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है, लेकिन किसी भी चीज़ की कामयाबी के लिए उस फील्ड की एजुकेशन और अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं आज आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त फॉरेक्स ब्रोकर के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है OctaFX। OctaFX एक रिलायबल ग्लोबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो 2011 से अब तक 150 कंट्रीज में 10 मिलियन से ज्यादा ट्रेडिंग अकाउंट्स को अपना हाई एंड ट्रेडिंग एक्सपीरियंस दे चुका है। एंड फॉर दिस रीजन दे आर अवार्डेड रिसेंटली द बेस्ट मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशन 2022। OctaFX में न्यू ट्रेडर्स के लिए फ्री फॉरेक्स बेसिक कोर्स, वेबिनार फॉर एजुकेशन, न्यूज़लेटर्स, मार्केट इंसाइट्स और बहुत सारे फीचर्स से अप टू डेट रखा जाता है। और अब ये ऐप एंड्रॉइड के साथ साथ iOS पे भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें, OctaFX ट्रेडिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करें, डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करने के बाद प्रोमो कोड यूज करें connectk100 और अपने पहले डिपॉजिट पर डबल डिपॉजिट हासिल करें। नाउ बैक टू द वीडियो। तो भाई ये देख सकते हैं आप किचन की फुल फर्निश है, स्टोव लगा हुआ है, चिमनी है और ओवन भी लगा हुआ है। अब ये फुल न्यू है, फुल थर्मोकोल वगैरह सारी चीजें रखी हुई, देख सकते हैं आप। अच्छा सीन है, फुल आर्कलिक जो होता है वाला सीन हुआ हुआ है, और सारी चीज़ें फुल फर्निश हुई हुई हैं। पानी भी आ रहा है, ये देखें, पानी का तो बहुत बड़ा मसला है कराची के अंदर, तो जो है ना यहाँ पानी वानी सब आ रहा है बेहतरीन। अब लाउंज की तरफ लेके चलता हूँ आपको। ये है भाई लाउंज, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि फुल फर्निश्ड है ये भी, और ऊपर जो है ऐसा लग रहा है मैं कोई बेचने के लिए कोई अपार्टमेंट जो है ना मैं बेच रहा हूँ, ऐसा नहीं है भाई, ये मेरा अपना ही है, मैं आपको बस टूर दे रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग वीडियोस देखते हैं हमारी, प्यार करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, फुल फॉल सीलिंग हुई हुई है, बीच में ये क्या कहते हैं इसको झूमर सब लगा हुआ है, और दीवारों पर भी अच्छा काम हुआ हुआ है। ये वॉलपेपर तो नहीं होता इसको, तो पता नहीं क्या कहते हैं इसको, कुछ टेक्सचर पेंट हुआ हुआ है ये। और एक साथ ही जो है दो कमरे, एक ये रूम है, ठीक है, ये एक बेडरूम है, आप ये भी दिखा रहे हैं। ये भी फर्नीचर की थोड़ी लाइटिंग कम है जाहिर सी बात है, लेकिन चीज़ तैयार है, रेडी है। ये बेडरूम है, यहाँ पे ये वॉशरूम है, वॉशरूम भी फुल जो है आके देख सकते हैं आप, सही है ना। तो अभी जो है ना बड़ा मैं कन्फ्यूज भी हो रहा हूँ, थोड़ा सा खुशी भी है। ये कवर्ड है, और यहाँ से ये विंडो दी गई है, बेस्ट होते हैं, तो हवा भी बहुत अच्छी चलती है, मतलब एसी की वजह ज़रूरत तो है कराची जैसे शहर में। अच्छा है, एक और बात, एसी भी लगा हुआ है इस रूम में, भी एसी पूरे घर में 2 AC लगे हुए हैं। अब चलते हैं सामने वाले रूम में, यहाँ पर जो है थोड़ा सा और डिफरेंट काम हुआ है। इधर भी फॉल सीलिंग का काम है, लाइट्स वाइट्स लगा के जो है ना प्रॉपर कर सकते हैं इसको, और इधर भी एक वॉशरूम है, कवर्ड है और विंडो है, और ये वाली विंडो भी सामने खुलती है जहाँ से व्यू बड़ा अच्छा आता है। और इसके बाद अब चलते हैं गैलरी की तरफ। ये है भाई गैलरी, और अगर आप लोगों ने जीडीएस की
अभी आई थिंक थोड़े दिनों पहले वो एक रियल स्टेट वाली थी जिसके अंदर वो बंदे आते हैं, पूरा मैं पूरा टूर कराता हूँ, ये उसका कार्ड भी ऊपर आ रहा होगा, तो वो भी हम लोगों ने यही शूट की थी। गैलरी में चलते हैं दिखाते हैं, तो भाई ये है गैलरी, अभी यहाँ लाइटिंग नहीं है, ठीक है, तो ये सीन है, अच्छी जगह है और टॉप फ्लोर है, हवा भी आएगी, मट्टी भी कम आएगी, ये सीन है। तो एक जो ना खुशी वाला मोमेंट है मेरे लिए कि फाइनली आज ये चीज़ एक मतलब अपने नाम कर ली है। ये दरअसल बात है, एक घर जो है वो आप कराची जैसे शहर के अंदर कर लो तो बहुत बड़ी बात होती है। ये तो मेरी दुआ तो यही है भाई कि अगर आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि तो मेहनत में ऐसा मत, ये खाली एक डायलॉग नहीं है या फिर जो बचपन में हमने किताबों में पढ़ा था वो नहीं है, बाकी भाई इसमें अगर आप किसी भी चीज़ से मेहनत करो, क्या पता था भाई यूट्यूब पर वीडियोस बना के ऐसे पार्कों में जाके छोटे मोटे क्लिप्स बना के एक टाइम आएगा कि भाई वो यूट्यूब मोनेटाइजेशन हो जाएगी, ब्रांड आ जाएंगे, पैसे मिलेंगे, फिर यही हमारा करियर हो जाएगा। हम तीनों तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हम लोगों ने तो अपनी डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग के अंदर काम किए हैं सारी ज़िंदगी वरना, बट वो छोड़ के अब ये वीडियो की फील्ड आ गई है और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, इसलिए भी शेयर कर रहा हूँ कि थोड़ी मोटिवेशन आप लोगों में जाएगी कि जो भी काम कर रहे हैं, भले आप जॉब कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है बिजनेस भी अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हैं या कोई भी फील्ड में कोई भी काम कर रहे हैं ना, बस उसमें मेहनत से काम करो, लगे रहो, एक दिन आएगा कि जब आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो आई विश के जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो भी अपना अपना घर बनाएं, छोटा हो बड़ा हो अपना होना चाहिए, बस ये बात है। ठीक भाई, तो कैसा लगा आप लोगों को ये मेरा फ्लैट, दुआ दीजिएगा नीचे कमेंट करके, मुबारकबाद दीजिएगा ताकि, और माशाल्लाह भी बोलिएगा ताकि नज़र ना लगे। सही है भाई, मैंने सोचा कि आज लास्ट पेमेंट है तो आप लोगों के साथ एक छोटी सी वीडियो बना के शेयर करूँ, ये प्रॉपर कोई ब्लॉग तो नहीं है बट एक दिल की बातें थी जो आपसे शेयर कर ली। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप मेरे लिए खुश हुए होंगे और मैं भी आप लोगों के लिए खुश हूँ जो लोग मेहनत कर रहे हैं। तो भाई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, चलो शाम।